मैं कहना चाहता हूं यहां एक आदमी को जिंदा जला दिया गया, एक महिला के साथ रेप हुआ, कोई पहली हत्या नहीं हुई है। 26 जनवरी में क्या हुआ ये पूरा हिंदुस्तान ने देखा है। हम तो अकड़ के बात नहीं कर रहे हैं, ये लोकतांत्रिक देश है, हम तो बहुत सम्मानजनक तरीके से बात कर रहे हैं। और यहां पे जिस प्रकार की भाषा के साथ आप बताइए, भारी टेलीविजन में जिसे करोड़ों लोग देख रहे हैं, अगर हमें, मैं फिर भी एक पार्टी का प्रवक्ता हूं, अगर मुझे बेहुदा ना जाने क्या क्या कहा जा रहा है, तो वहां तो लोगों को जिंदा जलाया ही जा रहा होगा। अगर कोई बेचारा गांव वाला कसार गांव का व्यक्ति आ जाता होगा और हाथ जोड़ के आदरणीय टिकैत जी से कहता होगा, टिकैत जी प्लीज जरा गाड़ी के लिए रास्ता छोड़ दो, प्लीज जरा हमारी बच्चियां जरा स्कूल जाएंगी कॉलेज जाएंगी रास्ता छोड़ दो, तो टिकैत जी आज देश के इतने बड़े आदमी है तो क्या कर, वो हम जैसे लोगों को ही ऐसे बोल रहे हैं। हम तो टीवी में आते हैं, हमें लोग भी जानते हैं, पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता है, हमें अगर लताड़ देते हैं, मारने की बात करते हैं, तो आम आदमी के साथ क्या करते होंगे टिकैत साहब आप? मैं आपका सम्मान करता हूं टिकैत साहब, हजारों डिबेट में आपके साथ बैठा हूं, हो सकता हूं आपसे बहुत छोटा भी हूं, अनुभव में भी छोटा हूं, राजनीति में भी छोटा हूं, आप नहीं नहीं टिकैत साहब 10 सेकंड सुन लीजिए, मैं आपको साहब भी कहूंगा और अच्छे से बात भी करूंगा, सवाल भी पूछूंगा, आपके सवालों का जवाब भी दूंगा। आप उम्र में बड़े हैं, अनुभव में बड़े हैं, किंतु इसका अर्थ ये नहीं है टिकैत साहब कि हम दोनों में से कोई भी अहंकारी बने। ये देश है, ये बहुत बड़ा देश है, अगर गांव वालों को दिक्कत है, उन्होंने कुछ भी कहा, उनकी बात भी सुननी होगी, उनकी माँ बेटी भी महत्वपूर्ण है, मुकेश जिसको जिंदा जला दिया गया उसका जान भी महत्वपूर्ण है, आपका आंदोलन महत्वपूर्ण है, उसके लिए खुद आज तोमर जी ने, एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने कहा है आधी रात को वो आपसे बात करने के लिए तैयार है साहब, आधी रात को। केवल वो कानून रिपील नहीं करेंगे, अभी वैसे भी कानून लागू है नहीं, हर विषय पे बात करने को तैयार है, मगर ये अहंकार, मैं हाथ जोड़ के, अहंकार ठीक नहीं है साहब। इस देश में 26 जनवरी क्या हुआ था, 400 पुलिस वालों को गड्ढे में ढकेल दिया गया, आपने कहा बस 10 सेकंड भाई साहब, 10 भाई साहब आपकी अनुमति से 10 सेकंड, एक 10 सेकंड आपसे ले रहा हूँ भाई साहब, आप रुक जाओ। टिकैत साहब आपने लास्ट में कहा ना कि 26 जनवरी की अगर जांच हो जाएगी तो बीजेपी को जवाब देना पड़ेगा। टिकैत साहब आपने कहा था ना कि ये दीप सिद्धू जो है यही रिस्पॉन्सिबल है, ये बीजेपी का एजेंट है, बीजेपी का आदमी है, कहा था आपने। अरेस्ट हुआ दीप सिद्धू, जब उसकी बेल की बारी आई, कौन लोग खड़े थे उसके बेल के लिए, कौन लोग खड़े थे? वही लोग जो आपके तरफ है, वही लोग उसके बेल के लिए खड़े थे। आज दीप सिद्धू के लिए वो सारे लोग लड़ रहे हैं जो हमारे साथ नहीं है साहब, जो आपके साथ है। क्यों लड़ रहे हैं? क्या आप भी हकीकत नहीं जानते हैं? अच्छा। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। डॉक्टर संबित पात्रा जी, आपकी बातें महत्वपूर्ण हैं, और उन्हीं सवालों को आगे बढ़ाते हुए राकेश टिकैत साहब, देखिए आप लोगों को बातचीत तो सरकार के साथ ही करनी है, संवादहीनता की अगर स्थिति बनी हुई है तो उसको दूर करना भी हम सबका मकसद है, किसानों के साथ तो पूरा देश खड़ा है, आखिर ऐसा कौन होगा इस देश में जो किसानों के साथ नहीं खड़ा हो, लेकिन किसान आंदोलन के नाम पर अराजकता की स्थिति अगर पैदा हो रही है और आंदोलन भटक रहा है तो आपसे सवाल पूछे जाएंगे टिकैत साहब। अब डॉक्टर संबित पात्रा की ओर से जो सवाल खड़े किए गए हैं, आप विस्तार से जवाब दीजिए उस पर। मैं ये कह रहा हूं कि जहां तक 26 तारीख का सवाल है, 26 तारीख की कौन सी देश की एजेंसी है कि जो उसकी जांच कर देगी? कोई टीवी चैनल है कि जो उसको दिखा दे कि हमको कौन से रास्ते दिए गए और उन्हीं रास्तों पर बैरिकेटिंग करी गई और दिल्ली के रास्ते खोले गए, दिल्ली के अधिकारी उनको लेकर लाल किले तक गए और वहां पे यह हुआ कि जैसे लाल किला जीत लिया तो देश जीत गया, दूसरे देश की यहां पर लड़ाई हो रही हो, इस तरह का माहौल खड़ा करा गया देश में? कौन जांच करेगा उसकी एजेंसी की? कोई है देश में ऐसी एजेंसी? किस तरह से देश को कैप्चर कर लिया, कोई है, कोई कहने वाला है? किस तरह से आंदोलन को कैप्चर करा जा रहा है, आंदोलन को दबा जा रहा है, आंदोलनकारियों को जेलों में ठूसा जा रहा है, कोई है, कोई कहने वाला? 6-7 महीने से किसान बैठा हुआ है, अगर हम बात नहीं मान रहे तो हमारी बात नहीं सुनी जाएगी? अगर हम सरकार ने जो पॉलिसी लेकर आई, हमको वे कानून मंजूर नहीं है, तो हमारी बात नहीं सुनी जाएगी, हमारे ऊपर एलिगेशन लगाए जाएंगे? खालिस्तानी कौन है? अगर कोई सरदार आ गया तो खालिस्तानी हो गया, कोई मुसलमान आ गया तो पाकिस्तानी हो गया, कोई यहां पे हिंदू दूसरा आ गया तो वो जाटिस्तानी हो गया? ये जातियों में तोड़ने का काम कर रहे हैं, तो ये नहीं चलेगा, यहां पे देश जाग चुका है, ये नहीं चलने वाला। गोदाम किसके पहले बन गया? अडानी के गोदाम बन गए पहले, कानून बाद में आया, तो उसको अडानी को पता था कि देश में इस तरह का कानून आएगा, उनके गोदाम भरे जाएंगे, महंगाई बढ़ेगी,
वो जनता पर असर पड़ेगा। जनता ना बोल ले इस तरह से दबाव बना जा रहा है। आज उसी मुसलमान की वोट चाह रही ना उत्तर प्रदेश में, जिस मुसलमान को गाली देते थे आज उसी की वोट मांग रहे हो ना उत्तर प्रदेश में कि ये मुसलमान बीजेपी ज्वाइनिंग कर लगा। मतलब बंदूक के ताकत पे, पुलिस और फोर्स के ताकत पे आप वोटों को इकट्ठा करोगे? आया है ना, आया। अरे बात तो सुन लो, फिर आप कहोगे कि मुझे फिर ये कह दिया। आप बात सुनने के धैर्य भी तो रखो। आप तो भाई बहुत पढ़े लिखे आदमी हो, बहुत मिठी भाषा जानते हो, आपको संघ में यही चीजें सिखाई जाती है। मैंने भी वोट बीजेपी को ही दी थी, ये नहीं कि आपने दी थी, मैंने भी दी उसी को वोट। तो मेरी भी बात सुन लो, इस जनता ने दी जो यहाँ पे खड़ी है देख रही है आपको, ये गांव के लोगों ने वोट दी है आपको, इस किसान ने वोट दी है, तो हमारा कहने का भी है कि आपको सुनना भी पड़ेगा। ऐसे थोड़ा कि आपको वोट हवा में कहीं से मिल गई, वैसे ही मिल गई हवा में वोट, बहका कर दी थी ना आप। जो आपका घोषणा पत्र था उसको लागू कर दो, क्यों नहीं करते उसको लागू? बहका कर गए थे ना, ठीक है सर। जब एक फाइनेंशियल कमेटी के चेयरमैन थे नरेंद्र सिंह मोदी जी, जब वहां मुख्यमंत्री थे गुजरात के, 2011 में एक फाइनेंशियल कमेटी थी, उसमें यह तय हुआ था कि एमएसपी को कानूनी गारंटी बनाई जाए। आज वे प्रधानमंत्री जी है, वो लागू करवा दो। स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करवा दो।